नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। और शादी का विवाह का तो क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? सोनाली और सृष्टि, या गांव के, आपके गांव का नाम क्या है? मेरा गांव का नाम है खिरहिरी। खिरहिरी बड़ा मजेदार नाम है। हाँ, मेरा गांव का नाम है खिरहिरी और कितने लोग बोल भी नहीं पाते हैं। अच्छा, हम तो बोल दिए खिरहिरी। कितने लोग बोलते खिखिरी। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है ना, थोड़ा मगा भोजपुरी मसालादार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग हर भाषा में आप लोग को कुछ दिखाते रहे, मैं बोलते हैं। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती है? सेवन क्लास में। दोनों सेवन में। हाँ। अभी टेन जाने में काफी दिन है। अच्छा, स्कूल सही सही बताना। हाँ। 7 दिन में संडे, 6 दिन टाइम रहता है, तो 6 दिन में के दिन स्कूल जाती है? डेली, लोग डेली स्कूल जाते हैं। संडे को भी? नहीं, संडे को नहीं, मतलब संडे को तो छुट्टी रहता है। हाँ। तो हम लोग औरंगाबाद जाती हूँ क्लास दानी का। अच्छा, कहने का मतलब संडे को जाती? हाँ, संगीत क्लास, संगीत रविंद्र सर से सीखती। हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम 6 दिन स्कूल जाना है, घर के काम करना, सारा काम, खाना पीना ये सब बनाने भी आता है? रोटी चावल दाल खीर पूरी आता है कि नहीं? हाँ, आता है, मतलब उतना नहीं बना पाती। अच्छा, कितने साल एज हो रहा है? मेरा 13 साल। अब आपका? ये भुला गया। ये देखिए, 12-13, मतलब 1 साल के अंतराल में दोनों छोटी बहन है। मगर कहने का मतलब देख लीजिए कि 7 क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा से लेकर खाना पीना तक बनाती है। मगर यही टाउन के जो लड़की है ना, एगो झाड़ू सीधा से नहीं उठाने आता है, ना थालियों उठाने आता है। तनी इन लोग देहाती लड़की से सीख लीजिए कि क्या होता है प्रेम और क्या होता है संस्कार। संस्कार पैर छू कर होता है, और नीचे पैर छूते हैं, जमीन को छूते हैं, तब संस्कार हमारा पैदा होता है। इन्हें कि गुड मॉर्निंग सर जी, हाँ हो गले, तो ऐसे संस्कार नहीं होता है। संस्कार हिंदुस्तान में पैर छूने से होता है, गले मिलने से होता है, एक दूसरे के लोगों को समझने से होता है। तो हम चाहेंगे कि तीसरा एक गीत गा दीजिए, तब तक इन लोग भी इंटरमेंट करते रहे। तीसरा। मत रोवा मत रोवा अखिया से, लोरवा जानी बहावे पापा। मत रोवा मत रोवा अखिया से, लोरवा जानी बहावे पापा। दहेज के लोभियन के सामने अपना सिरवा ना झुकावा जाके, लोभियन के सामने अपना सिरवा ना झुकावे पापा। बेटी जान मावे वाले के कते दुखावा होला, करे जा में डूबे तब हसे गाओ टोला। बेटी जान मावे वाले के कते दुखवा होला, करे जाम डूबे तब हसेगा टोला। तिलक लेवे वाला नियम पाप बाटे, लोगवा के समझावाए पापा। तिलक लेवे वाला नियम पाप बाटे, लोगवा के समझावाए दहे जाके, लोभियन के सामने अपना सिरवा ना झुकावे पापा। दहे जाके, लोभियन के सामने अपना सिरवा ना झुकावे पापा। यथाशक्ति अगर देखा जाए तो माँ सरस्वती जी का गॉड गिफ्ट है कि इतने गला फाड़ के, इतना गला को फ्रेश करके और इतना रियाज करना गाना बहुत बड़ी बात है। और सरस्वती माँ इन दोनों बहन के गला में विराजमान है। अच्छा, आप दोनों को साड़ी पहनने आता है या कोई सिखाया? मतलब चाची और दादी या दीदी जो भी है हमारे घर में परिवार, सभी लोग पहना, हमें साड़ी पहनाते। अब आप सीख गई कि नहीं सीखी? हाँ, मैं सीख गई हूँ, मतलब तो भी उतना नहीं, पिन उन लगाने के लिए सब चाची लगाते। अच्छा, मैंने पूरा घर के लोग कोऑपरेट करते हैं। हाँ। कि बेटिया रानी जा
तनी अच्छा गीत गा दिया है कि नहीं। हाँ। और एक संस्कृति यानी संस्कार में रहते हुए इन दोनों बहन जो है से गीत गाती है, तो लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमें चाहने वाले हमारे भैया चाचा माता बहन और छोटे प्यारे भाई बहन सभी लोग को मैं इसी तरह से हमेशा सपोर्ट करने के लिए कहूंगी, और हमेशा इसी तरह से सभी लोग को जो भी अच्छा करे जो भी अच्छा करे उसे हमेशा दुलार प्यार देते रहे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अच्छा आप भी बोल रहा हो, कहीं काम बोले ले। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जो भी मेहनत करते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और हौसला को बुलंद रखना चाहिए। ये कम बोले ली मगर अच्छा बोले ली। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।